हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है गोभी का कोरमा। तो जो फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, तो उसी से हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी, रिच और डिलीशियस रेसिपी है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग वाटर में जो कॉलीफ्लावर के छोटे छोटे पीसेस हैं, जो फ्लोरेट्स हैं, उन्हें हम 5 से 7 मिनट तक हम उसे थोड़ी देर उबाल लेंगे। तो इससे जो फूल गोभी के टुकड़े हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब हम इसे ग्रेवी में, जो कोरमा है उसमें यूज़ करते हैं, तो एकदम ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाते हैं। तो बॉइलिंग वाटर में आप थोड़ा सा नमक डाल लें और थोड़ी सी हल्दी, और इसे 5 से 7 मिनट तक आप इसे इसमें बॉईल करें, जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। एकदम इन्हें गलाना नहीं है, बस इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो लगभग 5 से 7 मिनट फूल गोभी के टुकड़ों को अच्छी तरह से उबालने के बाद अब हम इसे एक एक करके इस बॉइलिंग वाटर में से निकाल लेंगे। तो ये एकदम अच्छी तरह से ये बॉईल हो गए हैं, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ना ही ज़्यादा सख्त। तो एकदम इसमें एक क्रंची क्रंचीनेस इसमें बाकी है, और इसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मसालों के साथ इसे मैरिनेट जैसा हम करेंगे, और फिर इसे हम हल्का सा ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। तो हमारे जो हाफ़ बॉईल किए हुए फूल गोभी के फ्लोरेट्स हैं, उन्हें हम थोड़ा सा अभी मसालों के साथ थोड़ा सा कोट कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। तो हमने इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमने इसमें बॉईल करते वक्त भी डाली थी, लेकिन थोड़ी सी अब डालेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो इसे अच्छी तरह से हम इस मसालों के साथ हम इसे कोट कर लेंगे, ताकि सारे मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। तो थोड़ी देर मसालों के साथ इन गोभी को मैरिनेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर हल्का सा बेसन हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से इसके साथ मिला लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इन फूल गोभी के टुकड़ों को शैलो फ्राई करेंगे, तो ऊपर से एक बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा जब ये फ्राई होगी। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा बेसन हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। तो अब हम इन फूल गोभी के टुकड़ों को ऑयल में हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे, क्रिस्प, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाने तक। जब थोड़ा सा बाहर की तरफ से जब थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कोरमा जो ग्रेवी है उसमें। तो इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। तो हमने पैन में थोड़ा सा शैलो फ्राई जैसा हम करते हैं उसके लिए जिसके हिसाब से तेल लगता है वो हमने ले लिया है, और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। और फिर हम इसमें जो मसालों और बेसन के साथ जो मैरिनेड हमने प्रिपेयर किया था, जो गोभी हमने इसमें मैरिनेट करके रखी थी, उसे हम एक एक करके इस गर्म तेल में हम डालेंगे। तो इसे एकदम से क्रिस्प फ्राई नहीं करना है, एकदम कि जैसे पूरा का पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए। सभी साइड से हल्का हल्का एक क्रिस्प हो जानी चाहिए, और हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाना चाहिए। तो बराबर बराबर आप रेगुलरली इसे सभी साइड से पलटते रहें, इसे स्टर करते रहें, और इन्हें हल्का क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो फूल गोभी है उसमें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर
आ रहा है, तो इसे हमें रेगुलरली सभी साइड से इसे इवनली फ्राई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन हो जाए और दूसरी तरफ से ये बॉयल जैसा लगे। तो सभी साइड से इवनली हल्का हल्का क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाना चाहिए। तो इसे हमें रेगुलरली पलटते रहना है बस, और थोड़ी देर और हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो फूल गोभी के पीसेस हैं वो अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो गई हैं और इसमें हल्का हल्का क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है। तो अब हम इन्हें ऑयल में से पैन में से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अब हम जो कोरमे का जो ग्रेवी है उसे हम बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम उसी पैन में जिसमें हमने गोभी को फ्राई किया था उसी में हम थोड़ा सा और तेल ले लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, अदरक और हरी मिर्च चॉप करके, और फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड प्याज। तो सभी चीज़ों को हमें थोड़ी देर ऑयल में सॉटे करना है और प्याज के ट्रांसलूसेंट होने तक, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक और सॉफ्ट होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर, लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे सॉटे कर लेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट प्याज, अदरक और हरी मिर्च के मिक्सचर को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद फिर से इसे हमें अच्छी तरह से सभी चीज़ों के साथ मिला लेना है और इसे फिर से थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे सभी चीज़ों के साथ। तो अब हम इसमें जो सूखे मसाले हैं, जो बेसिक सूखे मसाले हैं, वो हम इस मिक्सचर में डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर हम डालेंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं उसकी जो डिटेल्ड क्वांटिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो प्लीज़ आप उसे वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो जितने भी बेसिक मसाले हैं वो हमने इसमें डाल लिए हैं। तो मसाले डालने के बाद फिर से हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह के से हम इन्हें कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मसाले डालने से ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो अगर आपको ये लगे कि नीचे से मसालों के चिपकने का खतरा रह रहा है तो आप इसमें हल्का हल्का आप इसमें पानी डालें और इसे अच्छी तरह से, मसालों के अच्छी तरह से कुक हो जाने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा पानी ना डालें, हल्का हल्का पानी के छींटे आप इसमें डालें ताकि नीचे से मसाले चिपक कर ना जाएं। तो हल्का हल्का पानी डालकर हम इसे लगभग 7 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे। तो मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि काजू, आलमंड और मगज़, उन्हें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमने पीस लिया है, तो उसका पेस्ट हम इसमें डालेंगे। तो कोरमे में ड्राई फ्रूट का पेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें बहुत ही रिच, टेस्टी और क्रीमी फ्लेवर आता है। तो ये जो काजू, बादाम और मगज़ का पेस्ट है उसे हम इस मसालों के मिक्सचर में डालकर इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और थोड़ी देर इसे हम फ्राई करेंगे ताकि इसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो रिलीज़ हों और इनका फ्लेवर, एक नटी फ्लेवर जैसा हम कहते हैं, वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो इन मसालों के मिक्सचर को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से 7 से 10 मिनट तक भूनना है ताकि जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उनका कच्चा टेस्ट चला जाए, जितने भी सूखे मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं और उनका फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बीच बीच में आपको इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम आप लो और मीडियम के बीच में रखें और बीच बीच में आप इसे हाई करते रहें। तो हाई आप ज़्यादा देर तक ना रखें, इसे बीच बीच में थोड़ी दूरी देर तक हाई रखें और फिर वापस आप इसे मीडियम पे ले आएँ। तो हमारे जो मसालों का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से भुन रहा है। अब हम इसमें
दही 2 से 3 टेबलस्पून लगभग वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ एक टिप यह है कि जब आप दही डाल रहे हैं तो उससे पहले या तो आप गैस को बंद कर लें थोड़ी देर और मसालों के मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने दें, नहीं तो आप इसे एकदम लो फ्लेम पे रखें और फिर आप इसमें दही डालें। इससे क्या होता है कि जब हम इसमें दही डालते हैं तो दही के फटने का ख़तरा नहीं रहता और वो अच्छी तरह से इसमें कंबाइन हो जाता है। तो इधर आप गैस को पूरा का पूरा बंद कर लें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, नहीं तो एकदम लो फ्लेम पे रख के आप इसमें दही डालें। तो इससे हमारा जो दही है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगा और इसके फटने का खतरा भी नहीं रहता। तो दही डालने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पे थोड़ी देर लगभग 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है ताकि दही अच्छी तरह से इसमें कंबाइन हो जाए और सभी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो एकदम से मिलकर अपना अपना फ्लेवर्स इसमें रिलीज़ कर लें और एक बहुत ही गाढ़ा कोरमे का मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो जाए। तो 5 मिनट तक लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। तो लगभग 5 मिनट बाद जो कोरमे का ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें जो फ्राई की हुई फूल गोभी है वो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। तो फूल गोभी डालने के बाद इसे हमें इस मसाले के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर लेना है हल्के हाथों से ताकि जो गोभी है वो टूटे नहीं। तो इसे हल्के हाथों से इस ग्रेवी के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो अब तक इस ग्रेवी के मिक्सचर में मसाले के मिक्सचर में हमने नमक नहीं डाला हुआ है, तो अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे। तो नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से इसे सभी चीज़ों के साथ हम मिला लेंगे ताकि ग्रेवी में जो मसाला है उसमें नमक का फ्लेवर आ जाए। हमने गोभी को मैरिनेट करते वक्त इसमें नमक डाला हुआ था तो उसी हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करके अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक डालें। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी हम इसमें डालेंगे तो किशमिश का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है कोरमे में। जब कोरमा जो ये सब्ज़ी खाते वक्त जब हमारे मुंह में किशमिश आते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा मीठा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी किशमिश हम इसमें डालेंगे और ग्रेवी को लाइट या जो गाढ़ा जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहें। तो आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए तो ये आप पर है। जो नॉर्मली जो कोरमे का जो ग्रेवी होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, लटपटा बनता है, तो आपको अपने हिसाब से इसमें जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो आप थिक या थिन आप रख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी चीनी भी हम इस कोरमे के ग्रेवी में हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमने इसमें सभी तरह के मसाले डाले हैं, तीखा लाल मिर्च पाउडर हमने डाला है, नमक डाला है और सभी तरह की खट्टी दही डाली है। तो इसमें हम अगर थोड़ी सी चीनी हम इसमें डालते हैं तो सभी तरह के जो फ्लेवर्स हैं स्वीट स्पाइसी सावर वो सभी बैलेंस होके इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी चीनी भी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो गोभी का कोरमा है वो लगभग बनकर रेडी होने वाला है। तो एकदम आखिर के स्टेज में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो गरम मसाला पाउडर किसी भी ग्रेवी बेस्ड प्रिपरेशन में एकदम आखिर में डाला जाता है, तो आखिर के जो 5 से 7 मिनट होते हैं। तो गरम मसाला डालकर इसे हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इस ग्रेवी में और 5 से 7 मिनट और हमारी जो गोभी का कोरमा है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो गोभी का कोरमा है वो बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं धनिया के पत्ते वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसके साथ मिलाकर हम गैस को बंद कर लेंगे। तो हमारा जो गोभी का कोरमा है वो बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, यहाँ आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, लटपटी सी। तो अब हम इस
को गैस को बंद कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे, चाहे तो चपाती के साथ, नान के साथ, स्टीम राइस के साथ हम इसे एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो गोभी का कोरमा है वो बनकर रेडी हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।